हे गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई हो आप लोग बेस्ट, मस्त, सब कुछ होंगे। आज हम कल ब्लॉगिंग में दिखाए थे कि आज लास्ट क्लास हमारा था, लास्ट एग्जाम था, लास्ट क्लास भी खत्म हो गया, लास्ट एग्जाम भी खत्म हो गया, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हम। अब हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब किसी का क्वेश्चन होता है यार। अगर किसी का बी एस सी फाइनल होता है, या किसी का एस सी फाइनल होता है, तो या किसी का टेंथ फाइनल होता है, ठीक है, या एग्जाम भी जाता है, तो सब कुछ सोचता है कि यार अब क्या करना है, मुझे क्या करना है। आप लोग भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूँ। ठीक, अगर आप अगर भी आपका भी एग्जाम अगर फिनिश हो गया हो, अभी अगर स्टार्टिंग लेवल हो, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या बनना है। अगर आप मेरे ब्लॉगिंग को कंटिन्यू देखते रहिएगा तो पता चल जाएगा यार मुझे क्या करना है। ठीक है, अभी कुछ बता नहीं रहे, बस अभी सोच रहे हैं। ठीक है, क्या करें हम, क्या करना है मुझे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को एक बेस्ट सब कुछ मिलेगा। ठीक है, हम फिलहाल में क्या कर रहे हैं, हम फिलहाल में बैठे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमको जाना है मार्केट, कुछ सामान लेना है। फिलहाल में चावल बन रहा है, चावल जब बन जाएगा, आज बना रहे हैं हम डीवीसी। आपका क्वेश्चन हो यार, डीवीसी क्या होता है यार? हम भी जब स्टार्टिंग में सुने हुए थे डीबीसी, तो यार हम भी सोच रहे थे यार डीबीसी होता क्या है। ठीक है, बट आज आपको बताएंगे डीबीसी होता क्या है। ठीक है, फिलहाल में हमारा दाल बन रहा है। ठीक, उसके बाद बस एक मिनट रुकिए, बन जाएगा, बता देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, अभी तक ब्रश नहीं किया, टाइम 10 बजेगा। ठीक है, तो ब्रश करके मिलते हैं और मेरा डीबीसी तैयार हो जाएगा, तो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, डीबीसी मतलब क्या होता है, अब बन रहिए। अच्छा आपको दिखाते हैं डीबीसी क्या होता है। ठीक है, कह के हम ये स्टार्टिंग सुने हुए थे ना, तो नहीं पता था यार डीबीसी क्या होता है, बट ठीक है, अच्छा भी लगता है। ठीक है, दिखाते हैं आपको। एक, दो, दाल, चोखा प्लस चावल, डीबीसी, दाल भात चोखा। ठीक, इसी को कहते हैं डीबीसी। आई होप आप जाने होंगे, और अच्छा भी लगता है यार, सच में अच्छा लगता है। ठीक है, सच में अच्छा लगता है। ठीक, खाना खा के आप लोग से फिर से मिलते हैं, हमको जाना है कुछ सामान करने के लिए, वहां पे भी आप लोग को ले चलते हैं हम। अगर हम सुना देंगे नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, hey गाइस, चलते हैं मार्केट में। ठीक है, काहे का हमको कुछ सामान लेना है, एक स्टडी के लिए कुछ सामान भी खरीदना है। ठीक है, आगे के लिए किया सोचना तो बनता है, आगे क्या करना है। ठीक है, अगर आप लोग भी एग्जाम दे दिए हो या कुछ भी कर रहे हो, तो एक अच्छा परफेक्टली के साथ आगे बढ़ो यार। हमेशा एक बात याद रखना यार, कि कोई भी काम करते हैं ना हम लोग, तो उसमें प्रॉब्लम तो आता ही है, तो आएगा, लेकिन प्रॉब्लम आता है तो हमको कुछ सिखाता है। ठीक है, तो हम लोग को प्रॉब्लम से हारना नहीं चाहिए। फिलहाल में हमारे ऊपर प्रॉब्लम, ये मेरा रूम कितना गंदा दिखाई दे रहा है यार, ये सब किस तरह हो गया यार, एग्जाम तो बीत गया। ठीक है, कल सब फ्रेंड आए थे रूम पे, इसलिए इधर उधर सब फेंक अच्छा से बैठे हुए थे यहाँ पे, जिसमें आप लोग देखे भी। आज चलते हैं इसको अच्छा से साफ करने के लिए, साफ नहीं करेंगे मतलब इसको अच्छा रख देते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए, आई होप आपको ये ब्लॉगिंग थोड़ा सा इंटरेस्टेड न लगे, बट आने वाला समय में आई प्रोमिस अच्छा लगेगा। अच्छा, सब तो हो गया, जितना कपड़ा वपड़ा इधर उधर था सब अच्छा से रख लिए। अब हम चलते हैं मार्केट, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी ले यार, प्यास बहुत ही लगता है। चलते हैं मार्केट, सब कपड़ा गंदा हो गया यार, जब रूम साफ रखता है ना एक पॉजिटिव भाव आता है। ठीक, अंदर से यार ठीक है, अब ठीक है, बट अभी ठीक नहीं है। मेरा जितना बुक सब है, नोटबुक है ना, सब इधर उधर छिटा गया। चलते हैं पहले छत पे, सॉरी यार मार्केट चला जाएगा, छत पे तो हम लोग कहते हैं, अब मार्केट चला जाएगा। इतना नीचे आ गया यार, हाय यार, इसका डायरेक्शन सीधा रहना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन इसका इस तरह है। ठीक है, मेरा यार है तू, so much more than I feel.
वहां से बांध के यहाँ पे आया गया और इसको इसमें बना गया है, इसमें ई वाला जो है यहाँ पे बना गया है और ई वाला इधर के यहाँ पे है, क्योंकि अगर इसमें ना होकर अगर उसमें होता तो लच्चा नहीं होता, ठीक है, आराम ठीक ठाक रहता। अगर इसको हम उठा के छोड़ दे टूट भी सकता है, तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, सब उठा के रखना फिर से वेरी डिफिकल्ट। लॉज का सूचना पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, रुक के पढ़िएगा। चलते हैं अब, स्टार्टिंग में कुछ सामान लेना है, उसके बाद चलाया जाएगा, पास में है। उसका नाम नहीं पता है, कार्डबोर्ड होता है का बड़ा वाला, कौन सा रंग आपको चाहिए? व्हाइट कलर। व्हाइट खत्म है, खत्म हो गया। व्हाइट में दो आता है, एक मोटा आता है, एक पतला आता है। हाँ, कितना रुपया पड़ रहा है? कितना रुपया है? 10 रुपए का एक पीस, 10 रुपया। दो पीस ले लीजिए, दो पीस भैया। आई जिसमें स्टेट का हो गया तो डिस्ट्रिक्ट आता है क्या मैप? नहीं आता है डिस्ट्रिक्ट में, पाता है जल्दी मिलता नहीं है डिस्ट्रिक्ट में। कुमार जी, कितने 40 हो गया? हाँ, आगे पेन दीजिए हमको, ब्लू दे दीजिए, एसी भी वाला। कितना रुपया हो गया? 3 रुपया बच गया आपका। एक इसका कितने दीजिए हम, क्या करते हैं? वीडियो कॉल कीजिए हमें, तो बात है। वैसे हमको मार्केट से इसलिए सब लेना था, इसका यूज होगा स्टडी में। मेरा यार सबसे अच्छा फ्रेंड, सब कोई भूल सकता है, नहीं भूलेगा, ठीक है, आपको कहें कि इसको हम इतना टाटा बाइक लिए चल जाएंगे तो हमको याद करेगा, हर कोई इसका नहीं पता बट याद करेगा, पर किसी का तो नहीं पता बट वो याद करेगा। सीसीटीवी कैमरा, थर्ड, दिस इज माई फ्लोर। सब रबड़ है, रबड़ भी पेड़ से निकलता है, ये भी पेड़ से निकाला जाता है, पेड़ से डायरेक्ट निकाला नहीं जाता, मतलब उसी से बनता है यार। ये पता है क्या चीज का काम करेगा? ये काम करेगा जिसमें व्हाइट बोर्ड होता है जिसमें हम लोग रफ करते हैं या किसी चीज का डिस्कस करते हैं, तो उसका ही काम करेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको लिए। व्हाइट बोर्ड तभी ले नहीं सकते हैं क्योंकि इसको खाली करना है, और खाली करके जहां जाएंगे वहां पे किना जाएगा व्हाइट बोर्ड। फिलहाल में हम इसी से काम चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको अपने साथ इस तरह का लेके जा सकते हैं, लेकिन व्हाइट बोर्ड रहे तो यार इम्पॉसिबल। नहीं भाई, इसका भी काम है, पता है क्या, इसको रोकने के लिए काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे एक, वहां पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। अब इसको इस तरह कर दिया जाए कि हमारा कार्डबोर्ड अच्छा से इसमें चिपक जाए, ठीक। अब लगेगा मेरा कार्डबोर्ड, इसमें भी दो साइड होता है, एक उल्टा होता है एक सीधा होता है, तो आप लोग भी अगर यूज करना चाहते हैं तो देखिएगा सीधा यूज कीजिएगा, ठीक है। आप लोग को हम बता दें कि हम क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, डिस्कस करने वाले हैं। जितना समझ में आया अपना जर्नी के बारे में उतना हम लिख दिए हैं। अपना ड्रीम सब भी बता सकता है, हम भी बना सकते हैं, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो अपना ड्रीम क्या है। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज यार जरूर मत कीजिएगा, अगर आपको मन करे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आज हम काम किए हैं ये सब, जैसे मैं अपना बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड लगाना असंभव था, यहाँ पे हम अपना मतलब थिंकिंग से हम अपना बोर्ड बनाए, ठीक है, शॉर्टकट बोर्ड कह सकते हैं इसको, व्हाइट बोर्ड कह सकते हैं, ठीक है, इस पे हमको वर्क भी करना है हमको, तो टेक केयर, बाय बाय।